ग्रैंड हेल्थ अलायंस की सर्विसेज अस्पताल में हड़ताल और एहतजाज जारी है। ओपीडी बंद होने से हजारों मरीज इलाज से महरूम हैं। इंडोर में काम बंद होने से दर्जनों ऑपरेशन मुलतवी हो गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं, जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, क्या तफसीलात हैं? जी, सर्विसेज अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से जो हड़ताल और एहतजाज है वो आज भी जारी रही। आज दूसरा रोज़ है आउटडोर में जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस है उसकी जानिब से मुकम्मल हड़ताल की गई। इसके साथ साथ इंडोर में भी काम बंद रखा गया, जिससे आउटडोर में आने वाले जो हज़ारों मरीज हैं उनको जो है वो इलाज के हसूल में शदीद मुश्किल से दो चार होना पड़ा और मरीज जो है वो शदीद ज़हनी अज़ियत में मुब्तला रहे, जबकि इंडोर में भी दर्जनों की तादाद में जो मरीजों के ऑपरेशन है वो मुलतवी हो गए, क्योंकि इलेक्टिव जो लिस्ट है वो आज दूसरे डोज भी नहीं हो सकी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस गुज़श्ता एक हफ्ते से जो है वो यहाँ पे सरापा एहतजाज है और उसका जो मुतालबा है कि अस्पतालों में जो निजकारी का कानून है हुकूमत उसके नफाज का फैसला वापस ले, वरना इस एहतजाज को इसी तरह जो है वो ग्रैंड हेल्थ अलायंस जारी रखने की अज़्म का इजहार कर रहा है। आज दूसरे रोज़ भी आउटडोर को खुलवाने के लिए इंतजामिया और पुलिस के साथ ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जो क़यादत है उसकी तलख कलामी भी होती रही, ताहम जो है वो ना तो ये एहतजाज अभी तक रुक सका है और ना ही जो है वो हड़ताल और इनडोर में जो काम बंद किया गया है उसको मामूल पर लाया जा सका है। ठीक है, जाहिद चौधरी, शुक्रिया आपका।